हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 11 फरवरी, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट आपका ओवर हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में लोग देखेंगे कि किस टाइप से आपका रीजनिंग का पैटर्न रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है तो वो लोग आपका देख के एक बेसिक से आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उससे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ पास आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो फिर से मैं बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेश्चन का पैटर्न आपको दिख नहीं रहा बदलता हुआ, ठीक है। और यहाँ पर साथ में एक्स्ट्रा ये बात बोलना चाहता हूँ, अब तो फ्रेंड्स क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आप लोगों अगर ने कहीं सुना होगा तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका ज़्यादातर मैथ में रिपीट हो रहा है, ठीक है। बट आपका रीजनिंग में तो क्वेश्चन आपका फिगर वाले क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं, और आपका कुछ कुछ क्वेश्चन है वो आपका डाटा सिर्फ बदल रहा है, बाद बाकी आपका सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार फिर से बोल रहा हूँ, जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो आप वो सारा वीडियो को देख के जाइए और फिर आप देखिए आपका एग्जाम कैसा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये बात सब समझ रहे होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, दिए गए चित्र में कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो आपको पता है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, एक आपका समकोण त्रिभुज जरूर पूछेगा, एक आपका वर्ग पूछेगा और एक आपका सीधी रेखाएं पूछेगा, ठीक है। ये तीनों आपको काउंट करने जरूर देगा, तो इसमें आपको तीनों में 3 मार्क्स आपको जरूर लाने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीका से आपको करना होता है। तो देखेंगे इसको किस तरीके से काउंट करेंगे। तो यहाँ पास एक कैसे हो गया, देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, दो यहाँ से, तीन हुआ, ठीक है। ये छोटे वाले का बात कर रहा हूँ, तीन यहाँ से हुआ सिर्फ, ठीक है। तीन हो गया, ये आपका चार हो गया पूरा एक बार, पाँच हो गया, ठीक है। छः हुआ इतना आपका, ये आपका सात हो गया, ये आपका छोटे वाला आठ हो गया, फिर ये आपका पूरा नौ हो गया, ये आपका दस हुआ, ये आपका ग्यारह हुआ, ठीक है। तो अब कितना है इसमें, 11 है, जो कि मेरा आंसर देख सकते हैं, ये आपका 11 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया उसी तरीके से आपको काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पास लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक ले रहे हैं और इसका दो ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पास उनका गलती हो जा रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ बहुत सारे वीडियो में किस तरीके से काउंट करना होता है, तो ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग ने देखा होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या है, फिर कथन निष्कर्ष है। मैं आपको बता चुका हूँ कथन निष्कर्ष है, आपको टोटल कथन निष्कर्ष आपको 6 से 7 क्वेश्चन दिखने मिलेंगे, जिसमें आपका इनइक्वलिटी रहेगा, आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और आपका सिलॉग्स के क्वेश्चन रहेंगे, और एक आपका बस, हाँ ये रहे, इतने सारे मिला के आपका 6 से 7 आपका कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया इस कथन निष्कर्ष में, तो ये आपका सिलॉग्स से है। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया, आपका सभी ट्रक लॉरी है, सभी लॉरिया स्कूटर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोग चित्र बना लेंगे इसका डायग्राम। तो क्या बोला जा रहा, सभी ट्रक, यानी आपका जो ट्रक है कुछ, ये आपका ट्रक है, और क्या बोला जा रहा, सभी ट्रक लॉरी है। तो यहाँ पर मैं सभी ट्रक को लॉरी कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर सभी ट्रक आपका लॉरी हो चुका है। अब क्या बोला, सभी लॉरिया स्कूटर है, तो यानी आपका ये जो लॉरिया भी, वो भी आपका स्कूटर है, मतलब आपका स्कूटर इसके मतलब स्कूटर के अंदर में आपका लॉरिया आएगा। तो यहाँ पास मेरा क्या हो गया, यहाँ पर मेरा स्कूटर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये आपका स्कूटर हो गया। अब देखिए, अब आपसे निष्कर्ष में क्या बोला है, तो देखिए सिंपल सा, सभी ट्रक स्कूटर है। तो आप देखिए आपका ट्रक कहाँ है, तो आपका सभी ट्रक स्कूटर होने चाहिए। तो देखिए स्कूटर आपका, सभी ट्रक लॉरी था और सभी लॉरी स्कूटर है, तो मतलब आपका सभी ट्रक स्कूटर भी होंगे, ठीक है। तो यानी मेरा ये वाला आंसर निष्कर्ष मतलब सही होता है। फिर दूसरा देखिए क्या बोला आपका, कुछ स्कूटर लॉरी है। तो देखिए कुछ स्कूटर, आप यहाँ देखिए कुछ स्कूटर आपका लॉरी होने चाहिए। तो आपका तो पूरा लॉरी आपको दिख रहा है, पूरा स्कूटर है, तो यानी कुछ स्कूटर की बात की जा रही है, तो वो तो होंगे ही होंगे। तो यानी यहाँ पास मेरा ये भी दूसरा निष्कर्ष भी सही होता है, ठीक है। अब मेरा आंसर देख लीजिए, तो यहाँ देखिए आपका ए है और आपका ई नंबर पे क्या है, तो दोनों निष्कर्ष 1 और 2 तर्कसंगत है, ठीक है। यानी मेरा दोनों सही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, बस इसको आपको ड्रॉइंग को ड्रॉ करना है, उसके बाद आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये आपसे पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए फिर से आपका क्या बोला गया, चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपसे वर्ग बनाने जरूर बोला जाएगा, ठीक है। बस आपको ये वाला चित्र आपके शिफ्ट में अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब तो ये भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पास यही सारे सब क्वेश्चन आपका सेम टू सेम इस टाइप का देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैंने इस तरीका का बहुत सारा आप लोगों को करा दिया, ठीक है। तो आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास क्या बोला वर्ग बनाने के लिए, तो मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से हम लोग को वर्ग बनाना होता है। तो यहाँ पास हम लोग जो नहीं होता इस चित्र में पहले उसको काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए 5 नंबर आपको दिख रहा होगा, इससे तो कभी मिल के वर्ग बनेगा ही नहीं किसी के भी साथ, क्योंकि आपको दिख रहा है इस तरीका से है। तो इस तरीका से किसी में नहीं है, तो मतलब ये आपका वर्ग बनाने का
है योग में नहीं है। अब देखिए दूसर का आपको कौन सा दिखेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही दिखेगा। कौन दिखेगा, तो अब आपको दो नंबर दिख रहा होगा, क्योंकि दो नंबर में देखिए, दो नंबर में मैं बताता हूँ, देखिए दो नंबर में आपको कुछ इस तरीका से दिख रहा है। अब ये इस तरीका से किसी में ये आपका जुड़ नहीं सकता, ठीक है, आपको बात समझ आ रहा होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ये कभी किसी के साथ जुड़ नहीं सकता। अगर ये चीज़ अगर इसके नीचे में नहीं होता तो भले ये जुड़ जाता, जैसा आपकी आप इसको देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका नीचे में इस तरीका से नहीं है जिसको हम बोल सकते कि ये नहीं होगा, तो ये वाला को आप यहाँ से इलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी दो नंबर भी नहीं होगा, यानी जो आपका आंसर बनेगा वो 1 3 4, ठीक है, जो कि मेरा आंसर भी दिख रहा है। अब आपको कन्फ्यूज़ रहेगा कि आपका ये सच में सही है या फिर आपका गलत है, तो आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आपको मैंने बता दिया किस तरीके से ड्रॉ करना है, तो यहाँ पास ये हो गया। अब देखिए, एक आपका यहाँ से ऐसे कर लेंगे और एक आपका यहाँ से ऐसे कर लेंगे, तो देखिए आपका एक नंबर वाला डायग्राम भी बन चुका है, और यहाँ से आपका चार नंबर वाला भी बन चुका है, और ये आपका तीन नंबर वाला है, तो ठीक है, तो ऐसे दिख जा रहा है, तो मेरा आंसर 1 3 4 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख लीजिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। अब ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, एक आपका कोडेड पूछा जाएगा, दो सिंपल पूछा जाएगा। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब तैयार होंगे पहले से। तो देखिए यहाँ वाले में क्या बोला गया आपका, एक युवा लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। तो मैंने कैसे बताया था किस तरीके से बनाने के लिए, देखिए क्या बोला जा रहा है, एक युवा लड़के की ओर इशारा, मतलब कोई युवा लड़का है, ठीक है, समझने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ भी एक युवा लड़का है, इसकी ओर कोई इशारा कर रहा है, तो कौन कर रहा है, कोई आपका इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, कोई एक आदमी है वो आपका इशारा करके इसके तरफ कह रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये देखिए, ये मेरी माँ की बहन की बेटी का बेटा है, तो किसको लेके बोल रहा है ये, मतलब इसको हाथ इशारा करके अपने आप को बता रहा है, ये मेरी माँ की, मतलब इसकी माँ की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसका माँ कौन होगी, तो मैं ऊपर में कर देता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से, जो बड़े लोग होते हैं मैं उसको ऊपर में रखता हूँ, जो छोटे लोग होते हैं उसको नीचे में रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ उसकी माँ की बात की जा रही है, तो यहाँ पास मैं क्या करूँगा, माइनस का साइन दे दूंगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको, पुरुष में प्लस का साइन देता हूँ और स्त्री में माइनस का साइन देता हूँ, तो ये आपका माइनस का साइन दे दिया। अब क्या बोला जा रहा है, ये मेरी माँ की बहन की बेटी का बेटा है, तो क्या पहले पहले हो जा रहा, बोला जा रहा, देखिए तोड़ तोड़ के कीजिएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मेरी माँ की बहन, मतलब इसकी माँ की कोई बहन होगी, तो यहाँ पास वो भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी, तो यहाँ पास उसको भी मैं माइनस का साइन दे रहा हूँ। अब क्या बोला आपकी, माँ की बहन की बेटी, माँ की बहन, अब माँ की बहन की हो गई, अब उसकी बेटी, अब उसकी कोई बेटी होगी, तो ये आपका बेटी है, तो बेटी भी आपका स्त्रीलिंग होगी, मैं माइनस का साइन दे दिया हूँ। अब क्या बोला, बहन की बेटी का बेटा है, मतलब अब इसका ये जो है स्त्रीलिंग, अब उसका बेटा ये है, यानी ये प्लस है, सब उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब देख लीजिए, अब क्या बोला जा रहा, उस आदमी का लड़के से क्या संबंध है, तो देखिए ये आदमी का इससे संबंध पूछ रहा, तो देखिए ये दो माँ थी, जिसका एक आपका ये बेटा है और ये इस माँ वाले की बेटी है, और ये दोनों क्या पहले में अपने में संबंध बनेंगे, तो ये दोनों आपका एक दूसरे में कज़न बनेंगे, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब ये आपका इसका क्या लगेगा, तो ज़रूर से आपको पता होगा, तो इसको क्या लगेगा, तो इसका मामा लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मामा लगेगा। तो अब देखिए मामा कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर अंकल है, यानी आपका मामा, ठीक है, तो अब इसका आंसर मेरा अंकल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, इस तरीके से करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होने वाला, ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको पूरे अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए क्या बोला, सीरीज से क्वेश्चन है, आपको मैं बता चुका हूँ, सीरीज से टोटल आपको 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज से देखने मिलेंगे, जिसमें आपका अक्षर रहेगा, लेटर रहेगा, और शब्द से भी रहेंगे और एक फिगर से भी रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, तो देखिए 19 से 38 हुआ, 38 से 41 हो गया, 41 से 82 हुआ, 82 से 85 हुआ, तो अब आपको समझ आ रहा होगा, पहले आपको इतना ज़्यादा बड़ा, फिर आपको थोड़ा सा बड़ा, फिर आपका बड़ा ज़्यादा, फिर आपका थोड़ा सा बड़ा, तो हो क्या रहा है, तो देखिए 19 से 38 हो गया, तो क्या दिख रहा है आपको, डायरेक्ट दिख रहा है आपको, डायरेक्ट ही दिख जाएगा, क्या हो रहा है, गुना 2 हो रहा है, और फिर आगे क्या हो रहा है, 38 से 41 हुआ, तो कितना का अंतर दिख रहा है, तो 3 का अंतर दिख रहा है, यानी +3 हो रहा है। फिर देखिए 41 से 82 हुआ, तो ये आपका गुना 2 हुआ, फिर आगे देखिए 82 से 85 हुआ, तो आपका प्लस ये कितना हो गया, 3 हुआ। अब बोलिए आपको समझ आ रहा है सीरीज़, तो हाँ समझ आ रहा होगा, गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 3, तो आने वाला क्या होगा, तो गुना 2 होगा, ठीक है, तो यानी मेरे इसका आंसर क्या बनेगा, तो 85 गुना 2 तो 170, ठीक है, जो कि मेरा आंसर भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया आपसे, एक खास, ये एक खास
कट भाषा में यदि 60 को HRCGB लिखा जाता है तब उसी कुट भाषा को रूट को कैसे लिखा जाएगा। तो आपका कोडिंग डिकोडिंग है और कोडिंग डिकोडिंग से आपको दो क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो डायरेक्ट मैं नंबर लिखूंगा, मैं आपको बता चुका हूँ। आप कभी भी आपको अक्षर वाले में आता है तो कभी भी आप अक्षर वाले क्वेश्चन जब भी आते तो आप उसका प्लेस वैल्यू याद करके रखिए। मतलब आपका ए का अगर 1 होता है अक्षर वैल्यू, आपका बी का 2 होता है, तो इसी तरीके से याद करके रखिए, ठीक है। तो यहाँ पास मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो एस का क्या होता है तो आपका 19 होता है, आई का क्या होगा तो आपका 9 होगा, एक्स का क्या होगा तो 24 होगा, टी का क्या होगा 20 होगा, वाई का क्या होगा तो वाई का आपका 25 हो जाएगा। और फिर यहाँ एच का देख लीजिए जो उसका कोड किया हुआ है, तो आपका 8 होता है, आर का 18 होता है, सी का 3 होता है, ठीक है, जी का क्या इतना 7 होता है, अब बी का होता है 2, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए तभी आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, वरना आपका समय इसमें लग जाएगा। तो अब देखिए क्या आपका चल रहा है ये लोगों के बीच में, तो देखिए आपको डायरेक्ट दिख जाएगा 19 और 8 कितना होता है 27, 19 और 9 और 18 कितना होता है 27, 24 और 3 कितना होता है 27, 20 और 7 कितना होता है 27, 25 और 2 कितना होता है 27। तो आपको समझ आएगी जब 27 बना रहा तो मतलब क्या हो रहा है, यानी एक दूसरे का पीछे का उल्टा चल रहा है। मतलब अगर आपका प्लेस वैल्यू की बात करें तो पहले से आपका एक नंबर पे ए आता है तो उसी तरीका से पीछे से तो जेड आपका एक नंबर पे आता है, तो ये आपका पीछे का वर्ड चल रहा है, मतलब आपका ए का जेड लिखा जा रहा है, तभी उसी प्रकार होगा 27, क्योंकि ए का आपका 1 होगा और जेड का क्या होगा 26, तो 26 एक 27 बन रहा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, यानी आपका ये आपका उल्टा विपरीत आपका शब्द मिल रहा है, ठीक है। एस आपका शुरू से आपका 19 नंबर पे आता है तो उसी तरीका से आपका पीछे से आपका 19 नंबर पे एच आता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ का समझ आ गया, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आर का क्या हो जाएगा, तो आर 18 नंबर पे आता है तो 18 9 27, 9 नंबर पे कौन आएगा तो आई आएगा, ठीक है। फिर ओ क्या आता है तो 15 नंबर पे आता है, 15 नंबर तो 15 में 12 जुड़ेंगे तो 27 होगा, तो 12 क्या होगा एल होता है। तो इस तरीके से अगर आपको याद रहा तो फ्रेंड्स आप जल्द से जल्द कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा आई और एल पहले ही आ गया, अब मेरे ऑप्शन में भी चेक करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पास क्या होता है रीजनिंग में आपको ऑप्शन को भी चेक करते चलना होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा बनाइएगा, ठीक है, आपका समय लगेगा, इससे अच्छा होगा पहले ही देख लीजिएगा। तो पहले में आपको आई दो जगह मिल गया था, फिर देखिए अब उसके बाद क्या हुआ, आई के बाद एल हुआ, तो इस सिर्फ थर्ड वाले में आपको एल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए फिर से आपका क्या बोला गया, तो यहाँ देख लीजिए एक क्वेश्चन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे फ्रेंड्स, तो मिलेंगे, ठीक है, आपको वर्बल से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। और यहाँ पास मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पास कभी आपका नंबर देखने को मिल सकता है या फिर आपका वर्ड में या फिर आपका कोई आपका लेटर में रहने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा, तो 2011 से आपका क्या संबंध बन रहा, 16 का संबंध बना, तो आपसे पूछा जा रहा 2560 आपका किसके साथ संबंध बनाएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए क्या हो रहा, देखिए 2011 तो क्या हो सकता है, चार अक्षर से आपका डायरेक्ट ये आपका 16 बन रहा है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, तो जोड़ के देखते हैं, तो 2 1 1 तो 2 3 और 1 4 यानी 4 हो रहा है। अब 4 तो है नहीं, तो अब आपको समझ आ ही गया होगा फ्रेंड्स कि 4 का एक 16 हो गया, एक मतलब क्या हो रहा है, तो ये आपका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो अब इस तरीके से इसको भी चेक कर लेंगे, तो देखिए 2 और 5 7 और 7 6 13, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, तो 169। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए मेरा ये नंबर ए ये सही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए फिर से आपका सीधी रेखाएं में पूछा गया, ठीक है, मैं आपको फिर से क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए लिया हूँ और अलग अलग वैरायटी वैरायटी के लिए आऊँ, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके शिफ्ट में इसी में से कोई आपका पूछ लिया जाए। तो यहाँ भी किस तरीके से हम लोग गिनेंगे, तो उसी तरीके से 1 आपका ये हो गया, 2 आपका यहाँ हो गया, 3 आपका ऐसे हो गया, ठीक है, ध्यान से बनाइएगा, 3 हो गया, फिर 1 आपका ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये आपका पूरा 6 हो गया, क्लियर है, क्लियर है, 6 और 1 तो मैंने यहाँ पास नहीं लिया है, आपका 1 7 हो गया, 1 आपका 8 हो गया, यह आपका 9 हो गया, यह आपका 10 हो गया, यह आपका 11 हो गया, यह आपका 12 हो गया, यह आपका 13 हो गया और ये आपका 14 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा, तो यानी इसका 14 हो गया, तो मेरा आज का आंसर क्या होगा, तो 14 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा जब भी कभी आपका इस टाइप वाला लाइन रहे कटा से जहाँ से आपका टच हो रहा, तो वो आपको 2 को जोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप पूरा 1 को इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पास आपको 1 ऐसे हुआ, 2 ऐसे हुआ, फिर 3 ऐसे हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझा चुका हूँ मैं पूरा अच्छे से। तो यहाँ पास मेरा इसका आंसर 14 होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका।
तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए फिगर कंप्लीट करना, और इससे भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ इसमें आपको क्या करना होता है। सबसे बेस्ट तरीका होता तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लीजिए, और नहीं तो अगर आपका ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूज है तो रफ सीट उठाइए और डायरेक्ट क्या कीजिए इस पर आप चित्र बनाने की कोशिश कीजिए ठीक है। तो कंप्यूटर में तो आप चित्र बनाएंगे नहीं, मगर यहाँ पर क्या कीजिएगा कागज में आप इसको ऐड करने का कोशिश कीजिएगा ठीक है। तो इसका जो आपका उल्टा में जो आपको दिख रहा है ये चीज़ के बाद ये जो चीज़ दिख रहा है आपको उसी को वहाँ पर विपरीत कर देना है। तो देखिए विपरीत करेंगे मतलब क्या, ये आपका यहाँ देखिए इस तरीके से जो है आपको मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर इस तरीके से हो गया, ये आपका गोल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका इस तरीके से चल जाएगा ठीक है। तो इस वाले चित्र को आप मिला सकते हो थोड़ा देर के लिए। तो यहाँ वाला में देखेंगे तो आपका तो उस तरीका का चित्र बन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से बनना है तो ये ऐसी कट गया, ये भी ऐसी कट गया, और ये वाला देखिए ये वाला देखिए ये दोनों में आपको दिख रहा होगा ये नीचे साइड से बना हुआ, मगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे देखेंगे तो सी नंबर ऑप्शन में ये लाइन पूरा सीधा नहीं है, थोड़ा सा तिरछा कर दिया है, एक साइड से यहाँ से किया, एक साइड से यहाँ से किया, तो मतलब ये मेरा ये भी गलत होता है। तो मेरा इसका आंसर क्या होगा, तो 4 नंबर होगा ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आप आपका कथन निष्कर्ष में, और कथन निष्कर्ष में आपको पता है दो कथन निष्कर्ष आपको इस टाइप से भी देखने मिलेंगे ठीक है, जिसमें आपको क्या बोलता है मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको खुद से आपका दिमाग से सोचना होता है। तो देखिए कथन में क्या बोला कि आपका जॉन का कुत्ता रोज सुबह 3 बजे भौंकता है ठीक है, बात को समझिएगा, जॉन का कुत्ता रोज सुबह 3 बजे भौंकने लगता है, क्लियर है। अब हम लोग समझ चुके हैं, अब निष्कर्ष में देखते हैं क्या ये क्या बोल रहा है सही है या गलत है। तो क्या बोला हर कुत्ता सुबह 3 बजे भौंकता है, तो अब बोलिए ये बात आपको सही लग रहा है क्या, वो जॉन का कुत्ता रोज सुबह 3 बजे भौंकने लगता है, तो वो जॉन का कुत्ते की बात किया जा रहा था, यहाँ पास बोला जा रहा हर कुत्ता सुबह 3 बजे भौंकता है, तो ये तो आपको पहले ही समझ आ गया होगा ये तो कभी होगा नहीं, इस तो क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा जॉन का कुत्ते की बात की जा रही है, यहाँ पर हर कुत्ता को बोल दिया जा रहा है, तो ये तो आप कह नहीं सकते पूरा 100% पूर्ण रूप से ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ जब तक आपको नहीं लगे 100% पूर्ण रूप से कि ये सही है तब तक वो निष्कर्ष कभी सही नहीं होता है ठीक है। तो यहाँ पास मेरा ये गलत हो गया। अभी वाला देखिए क्या बोला आपका जॉन का कुत्ता भौंक कर सबको जगाता है, तो अब देखिए जॉन का कुत्ता भौंक कर सबको जगाता है, अब ये बात आपको इसे समझ आ रहा है क्या, कुछ आप बोल सकते हैं कि 100% पूर्ण रूप से कि हाँ जगाता ही होगा, वो 3 बजे भौंकने लगता है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपको वो जगा ही रहा है सबको, आप इसमें संभावना में है, क्या पता जगाता भी हो, मैं नहीं बोल रहा, मैं मानता हूँ कि जगा भी सकता है, मगर आप 100% पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते कि वो आपका जगा ही रहा होगा ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पास आपको क्या बोल दिया मैंने बताया कि जब तक आप जो बात को 100% पूर्ण रूप से नहीं मानते तो ऊपर क्या होता है निष्कर्ष, तब वो गलत होता है, यानी आपका ये भी गलत है ठीक है। तो अब यहाँ पास मेरा आंसर क्या बनेगा, तो देखिए ई नंबर देखिए आपका क्या बोला गया आपका यहाँ सॉरी आपका दो डी नंबर देखिए क्या बोला आपका, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही आपका 2 तर्कसंगत है, यानी आपको दोनों गलत है। अब आंसर देख सकते हैं मेरा डी भी है ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देख लीजिए आपका दर्पण से क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूँ दर्पण से और आपका वाटर इमेज से जल प्रतिबिंब से, उससे आपको टोटल 3 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, एक दो ठो आपका दर्पण से रहेगा और एक आपका वाटर इमेज से रहेगा मतलब जल प्रतिबिंब से। तो यहाँ भी मैंने आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या किस तरीके से मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर फिर से मैं आपको हल्का बता देता हूँ, जैसे आपका टी है ये आपका मिरर रखा हुआ मतलब आपका दर्पण रखा हुआ है, तो देख लीजिएगा ध्यान दीजिएगा जब भी आपका मिरर रखा है तो उसके विपरीत में उसी जगह पे आपका उसका प्रतिबिंब भी बनने वाला है। तो जैसे आपका टी आपका इतना दूर पे है तो उतना ही दूर पे आपका ये भी चीज़ होना चाहिए ठीक है। अब बात को समझिए इतना ही दूर पे होने चाहिए, अगर देखिए टी है तो इसी तरीके से आई भी इस साइड में होगा, तो आई भी जितना दूर पे है उतना ही दूर पे उसको आई को भी होना चाहिए। तो ये चीज़ को आप देख के बनाएंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होने वाला, चाहे तो आपका यहाँ पास आपका अक्षर हो चाहे तो आपका कोई चित्र में हो क्योंकि इस टाइप से भी हो, तो अगर इस टाइप से अगर करेंगे ध्यान रखें कि कितने कितने दूरी पे है उतना दूरी पे रख के बनाएंगे तो फ्रेंड्स आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये सारे चीज़ बता चुका हूँ, तो यहाँ पास फिलहाल मेरा आंसर क्या होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ठीक है। ये तो देखिए आप दूसरा नंबर तो आपका पहले हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले तो टी आने है ना आपका, तो यहाँ पर पहले के दिख रहा है और देखिए टी भी आएगा तो इसी तरीका से आएगा, मैं आपको दिखा चुका हूँ एक मिनट मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये देखिए टी भी बनेगा तो आपको तो पहले ही आपको इतने दूर पे है तो इतने दूर पे ही टी बनेगा, इतने ही दूर पे ही बनेगा, तो देखिए ये तो आपका पहले कट गया, ये देखिए टी आपको उल्टा दिखा रहा है ये भी ऐसे आपका कट गया, तो ये आपका थोड़ा देर के लिए चलेगा ठीक है। देखिए टी आई ए दोनों में तीनों में कॉमन दिख रहा है, फिर डब्ल्यू भी कॉमन है यू भी कॉमन है, के का सिर्फ आपको उल्टा दिख रहा है, तो आप के भी चेक कर लीजिएगा कि अगर मान लीजिए प्रतिबिंब का पहले ऐसे है तो इसका किस तरीके से बनेगा, तो आप भी जान गए कि ये भी इतना ही दूरी पर रहने वाला है ठीक है, थोड़ा समय ये ला उल्ट ठीक है, क्योंकि ये इतने दूरी पर है तो ये भी इसके इतने दूरी पर होना चाहिए, तो मतलब कौन सा के मेरा सही होगा, तो ये वाला के सही होता होगा, और यहाँ पर तो मेरा सीधा सीधा के लिखा था ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो ये रहा फ्रेंड्स मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से देख लीजिए, आपका ये भी कथन निष्कर्ष से आपको दो क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता चुका हूँ किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास इसको या तो जोड़ लीजिएगा या तो फिर निष्कर्ष से आप चलते चलिएगा जैसे बनाना, ठीक है। तो यहाँ पास आपका देखिए क्या बोला गया आपका, देखिए पहला निष्कर्ष में क्या बोला, डी ग्रेटर देन ए, ठीक है, मतलब सॉरी डी ग्रेटर देन वाई, मतलब डी बड़ा होगा वाई से। तो देखिए पहले में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ डी से वाई का संबंध बना लेता हूँ, तो डी ई इक्वल टू एम और ये आपका वाई है, ठीक है। तो डी वाई का आपसे पूछा है, तो देखिए पहले तो देखें, सबसे पहले आपको क्या काम होता है कि आप पहले देखेंगे दिशा में कि आपका सब एक दिशा में तो है, तो ए भी एक दिशा में, ए भी एक दिशा में है और ये भी मान लीजिए एक दिशा में है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए डी से डी आपको बड़ा होना चाहिए वाई से, और मैं आपको बता चुका हूँ ये आपका सब एक ही दिशा में है, तो यानी आपको सबसे पहले किसको स्थान देना होता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ सबसे पहले इसको स्थान मिलता है, फिर उसके बाद इसको स्थान मिलता है, फिर उसके बाद इसको स्थान मिलता है। तो यहाँ पास आपका ये है, तो यानी सबसे पहले किसको स्थान मिलेगा, तो इसको मिलेगा, मतलब आपका डी बड़ा होगा वाई से, ठीक है, यानी मेरे ये निष्कर्ष सही होता है, क्लियर है। अब ये दूसरा निष्कर्ष की बात करें तो क्या बोला है आपका, डी बड़ा होगा ए से, तो देखिए मेरे डी यहाँ है और ए यहाँ, तो पहले आप इसको बना लीजिए डी और ए के बीच में जो संबंध बन रहा है, तो यहाँ पास ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डी और ए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, देखते दिशा एक जैसा है, एक तरफ है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर दिशा आपको इस तरफ दिख रहा और इसका दिशा यहाँ दिख रहा, तो मतलब कोई रिलेशन ही नहीं बन सकता, तो जब रिलेशन नहीं बनेगा तो मतलब क्या हुआ, ये निष्कर्ष गलत हो गया। तो मेरा इसका आंसर क्या बनेगा, तो सिर्फ आपका एक नंबर बनेगा। तो जहाँ पास आप देख सकते हैं ये देख लीजिए, यहाँ पास देखिए आपका केवल निष्कर्ष एक तक संगत है। अब यहाँ पास आंसर ऑप्शन देख, आंसर भी देख सकते हैं जो ग्रीन में है, तो आपका एक नंबर है, ठीक है, ए नंबर यानी आपका ये है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होने वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो और ये सब क्वेश्चन मैं आपको जो बताया हूँ, यही सब क्वेश्चन पूरे आपसे पूरे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी तैयार रहना इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि हमारे चैनल पर पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।